लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि देख रहे आप लोग ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रेलवे के जेई के पोस्ट के लिए, और भी डिफरेंट सारे पोस्टें हैं जिनके लिए जारी कर दिया दोस्त, टेक्निकल पोस्टें हैं जिनके लिए आरआरबी ने जारी कर दिया है दोस्त। आप लोग नोटिफिकेशन संख्या देख सकते हैं 032024। वीडियो के लास्ट तक बनिएगा दोस्त, मैं एक एक करके सारा डिटेल आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और कमेंट करके उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा दोस्त, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट किस किस का हुआ है दोस्तों। आप देखिएगा रिक्रूटमेंट में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का हुआ है दोस्त। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कब से शुरू होगा, तो बात करेंगे ओपनिंग डेट जो फॉर्म भरने का दोस्त, वो 30/7 से शुरू होगा, 30 जुलाई से शुरू होगा और लास्ट डेट होगा आपका 29 तारीख तक। और कुछ भी करेक्शन करना हो तो उसके लिए 30 तारीख से 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपको टाइम मिलेगा दोस्त। मतलब बेसिकली हम क्या समझे, यहाँ पे डेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डेट गिवन है, सारा डेट गिवन है। तो स्टार्टिंग कब होगा तो 30 तारीख को, 30 जुलाई, कंप्लीट कब होगा तो आपको कंप्लीट होगा 29 अगस्त को, फिर 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपको देखने को, कुछ भी करेक्शन करना है तो आपको देखने को मिल सकता है। पोस्टें कौन कौन सी है तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 6 पे कौन है, लेवल 7 पे कौन है, ये देख सकते हैं दोस्त। तो सिर्फ लेवल 7 पे आरआरबी गोरखपुर की पोस्टें हैं, केमिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है, बाकी जो पोस्ट है वो लेवल 6 की है दोस्त। लेवल 6 और लेवल 7 में क्या अंतर है, कुछ लोग नए होंगे, मैं जरा सा उनको बता दूं, ग्रेड पे का अंतर होता है दोस्त, ग्रेड पे का अंतर होता है। 44,900 ग्रेड पे है और यहाँ 35,400 ग्रेड पे है। इसका मतलब क्या दोस्त, जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी ना, अगर आप इस पोस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी लेवल 7 पे आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 44,900। तो बेसिक आपका हो गया 44,900 और इसमें आपका 50% का आपका क्या अभी डीए बन रहा है, तो आपकी मिनिमम ये सैलरी आपको मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा अलाउंस की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा अलाउंस जो भी आपको मिलता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है, TATA जो भी आपका एक्स्ट्रा बनता है दोस्त इसमें ऐड होगा, लेकिन ये आपको बेसिक ही आपको मिलेगा, ये आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका 50% का डीए, ये अंतर पड़ता है दोस्त इसमें। और उसी प्रकार से लेवल 6 में होंगे तो आपका जो बेसिक पे होगा ये 35,400 होगा, और ये सालाना दोस्त जैसे अभी देखिए 35,400 है। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो 1 जुलाई, दो तरह की ज्वाइनिंग होती है दोस्त, 1 जनवरी वाले में अगर होती है, 1 जनवरी मान लीजिए 2025 में आपकी होती है, तो 1 जनवरी 2025 में ज्वाइनिंग हुई तो 1 जनवरी 2026 में दोस्त 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका बेसिक में। और अगर आपका इसमें नहीं जुलाई वाले में होता है दोस्त, तो 1 जुलाई में, जैसे 1 जुलाई वाले में हुआ तो 1 जुलाई अगर 2025 वाले में हुआ तो आपका दोस्त 1 जुलाई 2026 आते आते आपका उसमें 3% का बढ़ोतरी हो जाएगा, हर एक साल जो आपका बेसिक है वो दोस्त बढ़ते रहेगा। तो ये लेवल 7 और लेवल 6 में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। एज लिमिट की बात करें, इसमें भी 18 से 36 है, इसमें भी 18 से 36 है, टोटल इसमें 17 पोस्ट हैं, इसमें टोटल पोस्ट हैं 7,934, तो दोनों मिला के टोटल पोस्ट हो जाएंगे 7,951 दोस्त। चले कुछ आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट, मतलब जो फाइनल ईयर में है दोस्त वो अप्लाई यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी डिग्री होगी वो उन्हें चाहिए दोस्त, कंप्लीट डिग्री आपको चाहिए, अगर इनकम्प्लीट है तो आप नहीं भर सकते हैं दोस्त यहाँ पे। और सब कुछ जो हो गया वो ऑनलाइन हो गया, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं सब कुछ क्या हो गया दोस्त, ऑनलाइन हो गया है। और आरआरबी रिजेक्ट कर सकती है, सब आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, ये मेडिकल फिटनेस की बात क्या है, आपको कौन कौन से कैटेगरी में आप मेडिकली फिट हैं दोस्त वो आपको इधर बताया जाएगा नीचे में चल के। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं दोस्त, तो दो स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, एक प्री और एक मेंस, दो स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा दोस्त, एक प्री और एक आपका मेंस। लगभग 15 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, यहाँ पे बताया गया है क्लियरली, नॉर्मलाइज होगा, यहाँ पे ये भी बताया गया दोस्त नॉर्मलाइज होगा।
और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही डालिएगा दोस्त, बाद में वो चेंज नहीं होगा। एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, बाद में वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अब एक चीज़ और देख सकते हैं, एसएससी में आपने देखा होगा कि 1/4 नेगेटिव होता है दोस्त। कितना नेगेटिव होता है? 1/4। अब तो मेंस में एसएससी ने भी 1/3 किया, पर यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगा प्री और मेंस में दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगा दोस्त 1/3, इसका मतलब 3 नंबर अगर मिलेगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, और 1 नंबर मिलेगा तो 1/3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सब आप लोग पीडीएफ खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं। कैंडिडेट जो अपना नाम डालेंगे और फादर्स नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो किस में डालेंगे? जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा वो वही वाला डालेंगे, तो दूसरा वो लोग नहीं डालेंगे। मैं ये भी बताऊंगा दोस्त, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी मुजफ्फरपुर, ये सब जो जीचे हैं इसका मतलब क्या है, और ये सब में अगर भरते हैं तो आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा दोस्त। अबे आरआरबी ने कह दिया कि दोस्त अगर लास्ट दिन तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आरआरबी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्त, इसके लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबल है। इतना टाइम दिया हुआ है, पहले से भरने के लिए प्रयास करें। मेडिकल जो फिटनेस दिया हुआ है दोस्त, ये देखिए मेडिकल फिटनेस क्या दिया हुआ, तो मेडिकल फिट आप A3 हो सकते हैं। ये देख सकते हैं ये चश्मा का आपका दिया हुआ B1 फिटनेस है, B2 फिटनेस है, आप लोग चश्मा के अनुसार देख सकते हैं। 6x6 है, 6x9 है, 6x12 है, C1 मेडिकल मेडिकल फिटनेस है। चार तरह का रेलवे ने मेडिकल फिटनेस दिया है दोस्त, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मेडिकल टेस्ट होता कहाँ है दोस्त, तो आप जब जाइएगा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, इसके बाद ना नेक्स्ट डे आपका मेडिकल टेस्ट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आरआरबी कोलकाता से भर रखा है तो यहाँ पे 2-3 हॉस्पिटल है दोस्त कोलकाता में, वहाँ पे रेलवे का हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेलवे आपको भेजती है और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए भेजती है। एज लिमिट ये मैं पहले बता चुका हूँ, 18 से 33 है दोस्त। और उसके लिए CEN के लिए 18 से 36 है, और उसमें 18 से 33 है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया दोस्त कि अगर आप जनरल या EWS से भर रहे हैं तो इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और इसके बाद वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। दोनों चीज़ें दे रखी हैं दोस्त। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का है, एक्स सर्विस में अगर जनरल है तो 3 साल है, देख सकते हैं दोस्त। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो से उसमें भर रहे हैं आपका उसका टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी का बात कर रहे हैं दोस्त, तो 500 रुपये मिलेगा जिसमें 400 रुपये, 500 रुपये लगेगा जिसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, इसमें आपको 250 पे करना है। SC ST से 250 पे करना है, जनरल है तो आपको 500 रुपये पे करना है, और जो Tier 1 देंगे उन्हीं का पैसा रिफंड होगा, यानी कि सबका रिफंड हो जाएगा, जो Tier 1 देंगे उन्हीं का पैसा रिफंड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मोड ऑफ जो पेमेंट है, पेमेंट का मोड क्या क्या कह रहा है, ऑनलाइन पेमेंट फी मोड होगा, ऑनलाइन मोड पेमेंट कह रहा है। और जो पेमेंट नहीं करेंगे फॉर्म भर देंगे उनका भी फॉर्म क्या माना जाएगा, रिजेक्टेड माना जाएगा। अब यहाँ पे EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी डिफाइन किया गया है दोस्त। देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उसको भी डिफाइन किया गया है, जिसका फैमिली इनकम 50,000 से क्या है, कम है। और ये रिफंड के बारे में बताया है, 400-250 रुपये जो आपका रिफंड होगा इसके बारे में आपको बताया है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये EWS रिजर्वेशन के बारे में भी आपका बताया कि 8 लाख से आपका ग्रॉस इनकम कम होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं EWS का यहाँ पे बताया दोस्त 8.8 में। एक सर्विसमैन के रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको बता रखा है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको क्या करना होगा। PWD का भी ये आपको डिसेबिलिटी वाला भी यहाँ बता रखा है, कितना परसेंट क्या है, किस तरीके का ये है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं।
ये सब्सक्राइब जो लेके चलते हैं, जो दोस्त जिसकी जगह पे दूसरा एग्जाम देते हैं कोई लोग, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आपको बता सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए चार तरह का प्रोसेस है दोस्त यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहला टायर वन दीजिएगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरा टायर टू दीजिएगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्त, जिसमें आपको 100 नंबर टेक्निकल आएगा, 50 नंबर आपका जीके जीएस आएगा, फिर तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मैंने बताया जैसे आपको रेलवे में जाना होगा, रेलवे जहाँ पे डीवी होगा वहीं वाले रेलवे जो मेडिकल है वहीं पे आपको जाना होगा, हॉस्पिटल वहीं पे आपको जाना होगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, देखिए दोस्त टायर वन का यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, जिसमें सिलेबस आपका ये गिवन है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। क्वेश्चन की अगर बात करें, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब देख सकते हैं दोस्त जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा आपका दोस्त। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क्स हो जाएगा 100 और टाइम हो जाएगा 1.5 घंटे का पेपर है दोस्त। प्री का कितने देर का पेपर है दोस्त, तो आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट्स का। अब यहाँ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे दिया है दोस्त, मिनिमम 40% अगर जनरल है, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25, ये मिनिमम मार्क्स इतना आपको चाहिए तभी आप टायर वन में क्वालिफाई हो पाएंगे। टायर टू के लिए बोल दिया यहाँ पे दोस्त, देखिए 15 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, कितने टाइम्स 15 टाइम्स, अगर एक सीट है तो उसके लिए 15 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसके लिए टायर टू के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा दोस्त। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन दिया हुआ है, बेसिक ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल दिया हुआ है, टेक्निकल एबिलिटीज दिया हुआ है। देखिए दोस्त अब यहाँ पे टेक्निकल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, बच्चे इसी से डरते हैं दोस्त, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, मैंने भी पेपर दे रखा है, ये बहुत सिंपल पेपर आता है, अगर आपने हल्का भी पढ़ रखा है तो आप 2 से 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्त। बीटेक में आपने अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एकदम थोड़ा बहुत सिलेबस का और चैप्टर का नॉलेज है आपको, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पे बात करेंगे जो 50 नंबर का जीए में आएगा, वो क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन और इन्वॉल्वमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, यहाँ मिला के 50 क्वेश्चन हुए और टेक्निकल के 100 नंबर हो गए। तो बेसिकली आपका दोस्त टेक्निकल पेपर जो हुआ वो आपका 100 क्वेश्चन का हुआ, 100 मार्क्स का हुआ। यहाँ भी मिनिमम परसेंटेज दे रखा है, जनरल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25, आप लोग देख सकते हैं। टायर टू भी जो बोल रहा है वो टायर टू कैसा होगा, वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा दोस्त। अब यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल वाला या बैचलर डिग्री, आपकी बात कर रहा है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो बैचलर डिग्री बीई की भी डिग्री मिलती है और बीटेक की भी डिग्री मिलती है दोस्त। जैसे मैं बताऊँ क्या डिफरेंस है, बीई और बीटेक दोनों की डिग्री मिलती है, जैसे एमपी वगैरह से आप कीजिएगा तो आपको बीई की डिग्री मिलती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक की डिग्री मिलती है आप रिमेनिंग बाकी बहुत सारे जगह से करिएगा तो बीटेक की डिग्री मिलती है दोस्त, ठीक है। तो दोनों आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, आप कहाँ कहाँ से अपने कंप्यूटर साइंस और ये सब कर रखा है, सारे चीज़ों के लिए दे रखा है दोस्त। एक सीएमए ग्रुप है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, इसमें बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले भी भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बीटेक के अलावा वाले जो भरेंगे सीएमए ग्रुप वाले में भर सकते हैं, और मेटलर्जिकल, और ये तो मैंने बताया केमिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की जो पोस्ट है दोस्त, ये लेवल 7 की पोस्ट है, बाकी सारी पोस्ट लेवल 6 की है, ये वाली जो पोस्ट है वो लेवल 7 की है। जो सेकेंड के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त, उनका पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपको दिया हुआ है, उस पर आपको सोचना नहीं है, वो रेलवे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ डीवी आपका होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली उसके वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पे लॉगिन करके आपका कर देना है। बस दोस्त ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्त चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, तो एक बार सही से डालिएगा, जो वर्किंग है वही डालिएगा,
गड़बड़ सरबड़ नहीं डाल दीजिएगा। ये फोटो वगैरह का भी दिया हुआ है आपका, कौन सा फोटो चाहिए, कितना डायमेंशन चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे गिवेन है दोस्त। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, अहमदाबाद का, चेन्नई का, मुजफ्फरपुर का, पटना का, गोरखपुर का, जिनका भी है वो रेलवे ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है दोस्त। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा तो अगर एप्लीकेशन आपका किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो आप खुद जिम्मेदार है, उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। और ये देखिए वेरिफिकेशन होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का, ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट 10, 12 और बीटेक किया जो भी आपने डिग्री कर रखा है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपने बनवा रखा है नीचे देगा उसी वाले फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेलवे जोन है दोस्त, रेलवे जोन है सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, ICF है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे दोस्त। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड कौन कौन से आते हैं, अहमदाबाद बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, भुवनेश्वर बोर्ड है, बेंगलुरु बोर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बोर्ड भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्त। थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट होगा सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रेलवे जोन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या डिफरेंस है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूँ कि दोस्त इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरा, ये बोर्ड मैं बता रहा हूँ दोस्त, किसी ने कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरा तो कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरा और वो सेलेक्ट हो गया, उसका DB हुआ, मेडिकल हुआ, कहाँ पे, कोलकाता में हुआ। इसके बाद कोलकाता बोर्ड क्या करेगी, डिफरेंट रेलवे जोन को बोलेगी भाई कोलकाता जोन के अंदर दो रेलवे ये आता है, कौन कौन सा आता है, एक आपका आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, एक आपका आता है ईस्टर्न रेलवे, इन दोनों को बोलेगी कि भाई इन दोनों में बहुत सारे डिवीजन होंगे। जैसे बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन होते हैं दोस्त, एक आदरा डिवीजन होता है, चक्रधरपुर डिवीजन होता है और भी 2 डिवीजन, ऐसे 4 डिवीजन है। तो किसी भी एक डिवीजन को आप बोलेगी कि भाई ये डिवीजन लो और तुम कैंडिडेट रखो, इतने कैंडिडेट की जरूरत है, तुम इतने कैंडिडेट दो, तो ऐसे वो लोग कैंडिडेट का फुलफिल करेंगे, वहाँ से लेके वहाँ पे फुलफिल करेंगे दोस्त। अब फिर आपने भरा वहाँ पे और आपको मान लीजिए चक्रधरपुर डिवीजन मिल गया कोलकाता बोर्ड से, चक्रधरपुर डिवीजन फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट चक्रधरपुर डिवीजन के अंदर जो जो स्टेशन अलॉट है, जो एरिया अलॉट है, वहाँ पे आपकी फिर पोस्टिंग होगी दोस्त। तो ये मत सोचे कि कोलकाता बोर्ड हो गया मतलब आपकी ज्वाइनिंग कोलकाता में हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। उसके अंदर कौन कौन सा रेलवे के जोन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्त, इसी फॉर्मेट में बनाना है, SC ST का यहाँ दिया हुआ है, देखिए देख सकते हैं दोस्त, अपना वाला डाउनलोड करके और उस पर बना के लाइएगा दोस्त, कास्ट सर्टिफिकेट ये बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको मैं स्किप करता हूँ, ये लोग आप लोग खुद देख लीजिएगा। और सीधे वैकेंसी पे हम लोग चलते हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे भी टेक्निकल पेपर का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आप लोग टेक्निकल पेपर का सिलेबस देख सकते हैं। ये सारा चीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैथ्स विद रितेश गिरी PDF आपको मिल जाएगा दोस्त उस चैनल पे। चलिए अब यहाँ पे आप बात करते हैं पोस्ट वाइज दोस्त, केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, लेवल कौन सा हो जाएगा दोस्त 7, सब डिपार्टमेंट कौन हो जाएगा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 चाहिए दोस्त। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, डिग्री इन इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से सारा दिया हुआ है दोस्त। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में है। फिर यहाँ पे मैं बात करूँगा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल से होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप भी है, TRD भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, TRS भी है, जनरल सर्विस भी है, ये सब में आपकी पोस्टें होंगी। उसी प्रकार से सिविल में आप जाते हैं तो सिविल में भी आपका क्या है, सिविल का वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्क्स में अगर जाते हैं तो सिविल में भी R&D है, ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन में आप लोग जा सकते हैं। मैकेनिकल में देखिए कहाँ पे होता है, कैरेज एंड वैगन एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मैकेनिकल से होंगे तो आप कैरेज एंड वैगन में जा सकते हैं। फिर डिजाइन एंड वर्कशॉप है आपका दोस्त, फिर डीजल मैकेनिकल है आपका, क्या है, डीजल मैकेनिकल है, फिर आपका मैकेनिकल पावर भी है,
फिर प्रोडक्शन यूनिट भी है, फिर आरएनडी भी है। सबसे दोस्त अच्छा दोस्त आरएनडी होता है। और भी आपके आप अपने अनुसार भी चूज कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छा लगते हैं, ओपन लाइन अच्छा लगता है कि ओपन लाइन आपको ठीक नहीं लगता, उसी हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं। आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कहाँ पे कैसे काम होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारा चीज़ें आपको बता दूंगा दोस्त। अभी जैसे देखिए डीजल इलेक्ट्रिकल से आप लोग बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, सब डिपार्टमेंट हो जाएगा डीजल सेट। डीजल सेट क्या है दोस्त, बेसिकली लोकोमोटिव होते हैं, जो लोको चल रहे हैं वो डीजल वाले, उस पर आपको काम करने को मिलेगा। अब तो बहुत कम ही डीजल वाले रह गए, और डीजल वाले रहेंगे इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर लोको हो गए दोस्त। फिर भी डीजल वाले कभी हटने वाले नहीं है, डीजल इंजन हटने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोको सेट के लिए हर एक जगह आपके पास वो तार नहीं बिछी हुई ना, ओची लाइन नहीं है। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं, टीआरएस है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, डिजाइन एंड ड्राइंग है। चलिए दोस्त अब वहां पे आपने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं बोर्ड वाइज कितनी वैकेंसी है। तो आरआरबी अहमदाबाद की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में इलेक्ट्रिकल टीआरएस इलेक्ट्रिकल टीआरडी में टोटल सीट देख सकते हैं 15, 3, 30, 4, 102। देखिए यहाँ पे वेब्रिज में सिविल की वेब्रिज जो है जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं 102 यहाँ पे देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट हैं जो दोस्त 382 है। किस में आपने देखा तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल पोस्टें कितनी है 382 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो आरआरबी अजमेर में, अजमेर में अगर टोटल सीटों की हम लोग बात करेंगे दोस्त तो अजमेर में टोटल कितना 529 है। उसी प्रकार से आरआरबी बेंगलुरु, बेंगलुरु की अगर आप बात करेंगे दोस्त तो टोटल सीटें यहाँ पे कितनी है तो बेंगलुरु में 397 सीटें हैं दोस्त। उसके बाद आरआरबी भोपाल की अगर आप बात करेंगे दोस्त तो आरआरबी भोपाल में कितनी सीटें हैं तो आरआरबी भोपाल में 485 टोटल सीटें हैं। जनरल की कितनी सीटें हैं 239 सीटें हैं दोस्त। आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर की अगर आप लोग बात करेंगे दोस्त तो आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल 175 पोस्ट है दोस्त, और जनरल की कितनी सीटें हैं 72। भुवनेश्वर आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे में आ जाएगा दोस्त। बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर में टोटल अगर सीटों की बात करेंगे दोस्त आप तो 472 सीटें हैं। बिलासपुर में बहुत सीटें आई हैं और यहाँ पे 238 सीटें आई हैं। आरआरबी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की अगर आप लोग बात करें दोस्त तो टोटल सीटें 356 और जनरल की 150 सीटें हैं इसमें। फिर आरआरबी चेन्नई, आरआरबी चेन्नई की अगर आप लोग बात करेंगे दोस्त तो आरआरबी चेन्नई में 652 सीट है और टोटल है जनरल के लिए 273 है, टोटल सीट है 652। आरआरबी गोरखपुर, देखिए गोरखपुर में केमिकल वाला भी था, देख रहे हैं आप लोग ना, गोरखपुर में आपका केमिकल भी और मेटलर्जिकल भी था जो लेवल 7 का था दोस्त। तो गोरखपुर में 259 टोटल है और जनरल के लिए 1084 सीट है दोस्त। आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी की अगर बात करें दोस्त तो 225 टोटल सीट है, 93 है कहाँ पे गुवाहाटी में दोस्त यूआर के लिए। जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर की अगर आप लोग बात करेंगे दोस्त, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर में टोटल सीटें हैं दोस्त तो 251 है टोटल और जनरल के लिए 125 है दोस्त। आरआरबी कोलकाता, देखिए कोलकाता शुरू से ही बहुत सारी सीटें लाता है दोस्त, तो आरआरबी कोलकाता की अगर बात करेंगे तो 660 सीटें हैं टोटल और 320 जनरल का कितना सीटें हैं 320 सीटें हैं दोस्त जनरल के लिए, टोटल सीटें 660। अभी तक में कोलकाता में आप लोग देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा सीटें हैं दोस्त यहाँ पे। आरआरबी मालदा, मालदा डिवीजन की अगर हम लोग बात करें दोस्त तो मालदा डिवीजन में कितने सीटें हैं तो मालदा डिवीजन में टोटल 163 और जनरल के लिए 74 सीटें हैं। आरआरबी मुंबई, मुंबई में भी शुरू से बहुत ज़्यादा सीटें आती है दोस्त, तो आरआरबी मुंबई में आप लोग देखने को मिल सकता है। मुंबई में देखिए मुंबई 1377 अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल सीट मिला है दोस्त देखने को और जनरल के लिए 596। तो सबसे ज़्यादा भी आपको देखने को मिला, सबसे ज़्यादा कहाँ मिला दोस्त तो बताइए, तो आप बोलिएगा मुंबई में, कहाँ पे मुंबई में। दूसरा कहाँ मिला आपको कोलकाता में। फिर आरआरबी मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिए आरआरबी मुजफ्फरपुर में सिर्फ सिविल है, सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग है, सिविल है, वर्क्स है, यहाँ पे टोटल 11 है और यहाँ पे जनरल के लिए 4 सीटें हैं। आरआरबी पटना में आपको देखिए सारी सीटें नहीं है दोस्त, देखिए पटना में सिविल है, सिविल है, सिविल है, ट्रैक मशीन है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल पावर है, फिर केमिकल मेटलर्जिकल है, जूनियर यहाँ पे डिजाइन एंड ड्राइंग है, डिपो सुपरिटेंडेंट है। तो पटना में भी अच्छा सीट है दोस्त, 247 है, यहाँ पटना में देख सकते हैं 247 है और इसको देख सकते हैं दोस्त यूआर के लिए 95 है। फिर प्रयागराज, इलाहाबाद जो आपका प्रयागराज है दोस्त, प्रयागराज में टोटल सीटें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
404 404 है, और जनरल के लिए 213 सीटें। आरआरबी रांची 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 में देख सकते हैं 167 टोटल है, और जनरल के लिए 70 सीटें है दोस्त। सिकंदराबाद आरआरबी सिकंदराबाद आपको देखने को मिल सकता है दोस्त, यहाँ पे वैकेंसी अच्छी आती है। देखिए 590 टोटल है और जनरल के लिए 248 है। उसी प्रकार से आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी सिलीगुड़ी में 28 है, टोटल 17 है। सिलीगुड़ी में भी ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिविल और डीजल और एसएनटीएन सिग्नल का है और टेलीकॉम है, यही सारे हैं, ज़्यादा पोस्टें नहीं। आरआरबी सिलीगुड़ी में टोटल 28 है और जनरल के लिए 17 है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका 121 है और जनरल के लिए 45 है। सबको मिला दीजिए दोस्त तो टोटल वैकेंसी 7951 है। कितना दोस्त? तो 7951, जिसमें से जनरल का कितना है 3575। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्त, तैयारी करिए। और मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है, इसके बाद भी आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो कि सर एसएनटी में क्या काम होता है, मुझे कैरेज एंड वैगन लेना चाहिए कि वर्कशॉप लेना चाहिए, मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो ये सब के लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। कैरेज वैगन एंड वर्कशॉप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो फर्दर कुछ भी कमेंट रहता है, कुछ भी क्वारी ये भी रहता है, तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं दोस्त खुद कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में ओपन लाइन में वर्क करता हूँ, तो कोई भी कुछ भी क्वारी हो तो आप लोग दोस्त बता सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं दोस्त। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू।